Good morning class, we are doing chapter number 9, Challenging the caste system and today we will read about Periyar Ramaswamy. A staunch atheist, Periyar Ramaswamy devoted his life fighting the caste system and the hegemony of the Brahmins. He founded an organization called Dravida Kazhagam for the benefit of Dalits. This organization fought for the reservation of government jobs for the Dalits. As a result of this agitation, the First Amendment in the Indian Constitution was made to safeguard the rights of the discriminated Indians. पैरियर रामास्वामी जी एक एथीस्ट थे एथीस्ट यानी कि नास्तिक थे लेकिन इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए निकाली और इन्होंने हैजमनी थी जो ब्राह्मिस की उनको भी तोड़ा हैजमनी यानी कि जो ब्राह्मिस रूल करते थे बाकी कास्ट के ऊपर क्योंकि ये अपर कास्ट माना जाता था इसलिए इन्होंने उनको भी तोड़ने की काफ़ी कोशिश करी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था द्रविडा कजघम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो संस्था है इन्होंने दलित्स की मदद करने के लिए बनाई ताकि उनको बेनिफिट हो उनके हित में ये लोग काम कर सकें उनको जो प्रॉब्लम्स जो मुसीबत उठानी पड़ती हैं उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाएं यह ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के जो जॉब हैं उनमें रिज़र्वेशन के लिए भी लड़ी कि जो दलित्स की रिज़र्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में होनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके वो भी डेवलप हो सके और इसी के कारण जो पहली अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई हमारे संविधान में जो पहली अमेंडमेंट की गई जो पहला बदलाव किया गया वो इनके द्वारा किया गया था कि जो इंडियन सहन में डिस्क्रिमिनेशन ना हो यानी कि भेदभाव ना हो और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए नेक्स्ट जो हमारे फाइटर थे वो थे महात्मा गांधी जी हम सब इनके बारे में जानते हैं महात्मा गांधी जी मेड सोशल रिफॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म वॉज द कैंपेन अगेंस्ट द इनह्यूमन इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी हु हैड डिग्रेडेड मिलियंस ऑफ इंडियन इट वॉज गांधी जी हु कॉइन द टर्म हरिजन एंड स्टेटेड अ मैगजीन हरिजन इन नाइनटीन थर्टी थ्री Gandhiji assigned utmost importance to the removal of untouchability. He declared that this was no less important than his uh, political struggle for freedom. अनटचेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हिम हैड नो सेंक्शन इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपनी नेशनलिस्ट मूवमेंट में कास्ट सिस्टम के मुद्दे को भी बहुत उठाया और इस मुद्दे को साथ लेते हुए उन्होंने काफ़ी सारे रिफ़ॉर्म किए कैंपेनिंग करी और लोगों को जागरूक किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए सब लोग सारी जातियाँ एक समान होती हैं और बहुत सारे इंडियंस को इस बात का एहसास भी हुआ इसके साथ साथ उन्होंने एक जो टर्म कॉइन करी यानी कि एक शब्द बनाया जिसका नाम था हरिजन जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था इसका नाम इसका हरिजन उन लोगों को बोला जाता था जो कि लोग लो कास्ट के हैं क्योंकि हरिजन का मतलब होता था चाइल्ड ऑफ गॉड भगवान के बच्चे और उन्होंने इसके साथ साथ एक मैगज़ीन भी शुरू करी इसी नाम से हरिजन के नाम से जो कि 1933 में उन्होंने स्टार्ट की गई थी और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी इस चीज़ को कि अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जाए और इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए और बहुत सारी मेहनत करी इस चीज़ को रिमूव करने के लिए और साथ साथ ये भी बताया कि जो ये छूता छूत है जो अनटचेबिलिटी है ये उनके हिसाब से हिंदू स्क्रिप्चर्स में इनकी कोई मान्यता नहीं है नेक्स्ट इज़ भीमराव अंबेडकर Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, devoted his entire life to fight against caste oppression. He organized the All India Scheduled Caste Federation for this purpose. His first published work was a paper on caste in India, their mechanism, genesis, and development. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्किटेक्ट यानी कि डिजाइन है वो इनके द्वारा किया गया था इसके अलावा उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए निकाली जिसके लिए इन्होंने एक संस्था एक फेडरेशन बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इनका जो सारा वर्क है वो पब्लिश हुआ एक पेपर में जो कि कास्ट के ऊपर था यानी कि जाति के ऊपर था जिसका नाम था देयर मकैनिम्स जीनिस एंड डेवलपमेंट आफ्टर स्टडिंग लॉ एंड इकोनॉमिक्स एट द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केम बैक टू इंडिया एंड स्टार्टेड अ वीकली कॉल्ड मूक नायक लीडर ऑफ द साइलेंट इन मुंबई थ्रो दस ही क्रिटिसाइज ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीव डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड Bahishkrit Hitta Sabha, to promote education and socio-economic upliftment of the depressed classes, as member of the Mumbai Legislative Council in 1926, Dr. Ambedkar led a non-violent protest to arrest the right of the untouchables to enter temples and to draw water from public wells and tanks. तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी लंदन से पढ़ाई करके लॉ एंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके जब वो लंदन से आए तो उन्होंने आते ही एक वीकली जो मैगज़ीन होती है वो स्टार्ट की जिसका नाम था मूंग नायक जो कि मुंबई में स्टार्ट की गई थी और जिसके द्वारा ये क्रिटिसाइज़ करते थे जो हिंदू के बिलीव्स हैं जो लोग बिलीव रखते हैं कि हम ऊंची जात के हैं और नीची जात को टच नहीं करना उनको कहीं मंदिर में आने नहीं देना तो इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा और इसके खिलाफ एक संस्था भी बनाई जिसका नाम था बहिष्कृत हितकरणी सभा इसके द्वारा जो लो क्लासेस हैं जो कि दलित्स हैं या फिर जितनी भी लो क्लासेस थी उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी और मुंबई में लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 1926 में उनके मेंबर रहे हैं और उन्होंने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट यानी कि शांतिपूर्वक धरना लगाया प्रोटेस्ट करी ताकि जो अनटचेबल को हैं जो छूत जिनको लोग मानते हैं उनको मंदिरों में आने की इजाज़त दी जाए और जितने भी पब्लिक वेल्स हैं यानी कि जो पब्लिकली जितने भी uh, कुएं हैं या टैंक्स हैं उनमें से उन्हें पानी भरने की भी इजाजत हो एज एन एक्टिव मेम्बर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इंसिस्टेड द नेसेसिटी टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस बट महात्मा गांधी एंड कांग्रेस वर अगेंस्ट दिस आइडिया एंड द एंड एन एग्रीमेंट वॉज रीच नोन एज द पूना पैक्ट अकॉर्डिंग टू विच द आइडिया टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वर्ल्ड Abandoned, but the seats reserved for them in the legislature were increased. उन्होंने जब वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के मेंबर थे तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जितनी भी लो क्लासेस हैं इनके लिए अलग से वोटिंग होनी चाहिए लेकिन महात्मा गांधी जी ने जो कि कांग्रेस महात्मा गांधी जी और कांग्रेस इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट थी तो ऐट द एंड एक एग्रीमेंट हुआ जिसे बोला जाता था पूना पैक्ट इसके अकॉर्डिंग इलेक्टोरेट्स uh, को अलग नहीं किया गया लेकिन उनकी जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई और उनकी मात्रा भी बढ़ा दी गई हाउएवर द स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम पर्टिकुलरली अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वॉज नॉट फुली सक्सेसफुल अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया द ब्रिटिश वर केयरफुल नॉट टू अराउज दॉस्टेलिटी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी

क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इसका फायदा उठाते थे जो इंडियंस की सोच थी उनका फायदा उठा के आपस में उन्हें लड़वाते थे और अपना काम निकलवाते थे ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट थी जिसके जिसने ये रिफ़ॉर्म स्टार्ट किए आज़ादी के बाद और उसी वक्त ये मुमकिन हो पाया कि इस चीज़ को नकारा गया लेकिन आज भी कुछ रूरल एरियाज़ कुछ गांव बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं कि आज भी वहाँ ऐसा होता है कि कास्ट सिस्टम को बहुत अहमियत दी जाती है लो कास्ट के लोगों से बात नहीं की जाती उनसे काम नहीं लिया जाता वो एक जगह जाते नहीं हैं तो आज भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स Dada Naroji, Naroji Furdunji, and UB Vacha started the Rahanumai Mazdaya Sabha for the regeneration of the social condition of the Parsi and restoration of the Zoroastrian religion. Another important parsi social reform was Beharmaji m malabari the parsi reformer propagated their ideas through a journal rast gofter the campaigned for improving the position of women modernizing the custom of marriage and प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स एजुकेशन अब जो पारसी रिफॉर्म हुए थे ये किनके द्वारा किए गए थे दादा भाई नारो जी नारो जी फूरदूनी जी और यू बी वच्छा जी के द्वारा इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम था रहा नुमाई सभा इन सभा का जो मोटिव था वो ये था कि जो सोशल कंडीशनस हैं पारसी लोगों की और जो रेस्ट्रियन लोगों की उनको सुधारा जाए इन रिलीजन को भी आगे आने का मौका मिले ये जो धर्म है जो कि पीछे रह गए इनको आगे आने का मौका मिले इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं इसमें उनका नाम था बहर मम जी एम मालाबारी ये जो रिफॉर्मर थे इन्होंने अपने आइडियाज़ जो इनके थॉट्स थे जो इनके विचार थे उसको सारी पारसी कौम में फैलाया प्रोपेगेट किया और एक जर्नल यानी कि एक इन्होंने जर्नल एक जर्नल यानी कि एक मैगज़ीन कह सकते हैं हम एज अ मैगजीन उन्होंने स्टार्ट की जिसका नाम था रास्ट गॉफ्टर और इन्होंने वुमेन के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी कि जो गर्ल्स हैं जो वुमेंस हैं उनको उनकी जो पोजीशन है वो अच्छी हो और जो मैरिज़ में जो कस्टम है उनको मॉडर्नाइज किया जाए और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए बढ़ें ताकि गर्ल्स भी पढ़ सकें लिख सकें नेक्स्ट इज सिख रिफॉर्म मोमेंट्स The Singh Sabhas played an important role in the spread of education among the Sikh. In the early decades of the 20th century, a movement was launched for the reform of Gurdwaras, which were under the domination of corrupt priests and Mahans. The Sherumani Gurdwara Parbandhak Committee and the Akalida led this movement. Finally, in 1925, a law was passed which gave the right to manage Gurdwaras to the Sherumani Gurdwara Parbandhak Committee. जो सिख रिफ़ॉर्म्स थे वहाँ सिख में एजुकेशन फैलाने का काम जो है वो सिंह साहब जी ने किया और ट्वेंटी सेंचुरी में एक मूवमेंट चलाई गई एक रिफ़ॉर्म हुआ जो कि किसके किन के खिलाफ हुआ जो भी करप्ट प्रीस्ट और महंत होते थे गुरुद्वाराज में जो पंडित होते थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट लड़ी गई उसके बाद नाइनटीन में एक लॉ पास हुआ जिसके अंदर क्या था कि एक अकाली दल जी ने एक मूवमेंट चलाई थी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस इनके थ्रू एक लॉ पास किया गया कि जितने भी गुरुद्वाराज हैं जितनी भी ऑल ओवर द होंगे उनको मैनेज किया जाएगा किनके द्वारा शेरमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा एक कमेटी बनाई थी जिनके द्वारा सारे गुरुद्वारों में जो भी राइट्स हैं लोगों के वो उन्हें दिए जाएंगे और उनको मैनेज किया जाएगा सो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच